अपने दुश्मनों से कभी नफरत ना करो, ये आपके जजमेंट को अफेक्ट करता है। द गॉडफादर मूवी के तीसरे पार्ट में माइकल कॉर्लियोनी ने जब ये डायलॉग मारा तो जैसे दिल दिमाग पर छप गया। क्यों? क्योंकि फिल्म में माइकल कॉर्लियोनी बने एक्टर ने जबर एक्टिंग जो की है। अब ज्यादा भूमिका नहीं खींचते हैं, सीधे नाम बताते हैं। अल पचीनो, एक महान मेथड एक्टर, इनका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके भी होंगे जब आप इन जनाब की वो फिल्में देखेंगे जो हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि एक बार इनकी फिल्में देख लेंगे तो कमर्शियल यानी कि वही सुपर हीरो या मारधाड़ वाली पिक्चरें बोगस लगने लगेंगी। इनकी फिल्मों में ऐसे सीन नहीं मिलेंगे जिसे देखकर सीटी मार दें या खड़े होकर नाचने का दिल करें, क्योंकि सारा खेल तो बस दमदार एक्टिंग का होता है। हाँ, इन्हें देखने के बाद अपने दोस्तों को अच्छी एक्टिंग क्या होती है इसका ज्ञान जरूर दे पाएंगे। तो अब आगे अपने रिस्क पर ही जान लीजिए लिस्ट। अब आपको बताते हैं अल पचीनो की कुछ शानदार फिल्मों के बारे में। आपके लिए अल पचीनो की ये शानदार मूवीज की लिस्ट लल्लन टॉप का मेरी मूवी लिस्ट सेगमेंट का पार्ट है और ये लिस्ट तैयार की है हमारे साथी उदय ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। में रिलीज हुई इस फिल्म में अल पचीनो के साथ क्रिस ओडोनेल और जेम्स रेबॉन्ड जैसे एक्टर मेन रोल में हैं। डायरेक्टर हैं मार्टिन ब्रेस्टो। इस फिल्म के लिए अल पचीनो को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर भी मिला था। हमारे हिसाब से अल पचीनो की ये बेस्ट फिल्म है। इसे लेकर कई बहसजीवी असहमत हो सकते हैं। खैर, फिल्म में अल पचीनो ने कर्नल फ्रैंक स्लेट का रोल प्ले किया था जो अमेरिकी सेना से रिटायर्ड है। कर्नल की आंखों की रोशनी जा चुकी है। फ्रैंक खुददार और किसी भी तरीके से सहानुभूति से सख्त परहेज करने वाला शख्स है। फ्रैंक थैंक्सगिविंग के लिए न्यूयॉर्क जाता है जहां चार्ली फ्रैंक की देखभाल के लिए उसके साथ रहता है। चार्ली स्कूल में पढ़ता है और यूनिवर्सिटी जाने के लिए पैसे बचा रहा है। न्यूयॉर्क की ट्रिप से लेकर चार्ली के स्कूल तक फिल्म गजब के फ्लो में आगे बढ़ती है। अल पचीनो ने इस फिल्म की तैयारी के लिए नेत्रहीनों के लिए चलाए जा रहे स्कूल की मदद ली थी। साथ ही अल पचीनो ने नसीरुद्दीन शाह की 1980 में रिलीज हुई फिल्म स्पर्श के नेत्रहीन अनिरुद्ध परमार के किरदार को भी कई बार देखा था। फिल्म में फ्रैंक स्लेट और चार्ली का स्कूल में लगभग 6 मिनट का एक सीन है जो इस फिल्म का बेस्ट पार्ट है। '72 से 1990 के बीच द गॉडफादर फिल्म के 3 पार्ट आए। इटालियन माफिया के ऊपर बनी द गॉडफादर मारियो पूजो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म ने ऑस्कर के साथ कई अवार्ड्स जीते हैं। ये एक कल्ट क्लासिक फिल्म है जिसके किरदारों से प्रभावित हुए बिना आप रह नहीं पाएंगे। वैसे तो इस फिल्म में अल पचीनो के साथ मार्लन ब्रांडो और रॉबर्ट डी नीरो जैसे महान कलाकार भी हैं। मतलब मेथड एक्टिंग से लबालब फिल्म। लेकिन बाकी एक्टर की बात अलग से किसी स्टोरी में करेंगे, फिलहाल बात अल पचीनो की। फिल्म में अल पचीनो ने डॉन माइकल कार्लियोनी का रोल किया है जो कार्लियोनी माफिया परिवार का हेड है। उसे द गॉडफादर की उपाधि अपने पिता डॉन वीटो कार्लियोनी से विरासत में मिली है। एक माफिया अपने दुश्मनों, परिवार और लगातार मन में चल रहे द्वंद से कैसे जूझता है, इसे अल पचीनो ने माइकल कार्लियोनी के जरिए पर्दे पर बखूबी उतारा है। फिल्म जितनी धांसू है उतना ही इसका थीम सॉन्ग। बाकी हम आपको अगर सब बता ही देंगे तो आप फिल्म क्यों ही देखेंगे। '95 में आई अल पचीनो और रॉबर्ट डी नीरो की हीट एक क्राइम बेस्ड फिल्म है। डायरेक्टर है माइकल मान। इस फिल्म के बनने तक अल पचीनो और रॉबर्ट डी नीरो दोनों ही फिल्म जगत के 2 बड़े नाम थे और इनके साथ काम करने को लेकर काफी माहौल बना हुआ था। इससे पहले द गॉडफादर के दूसरे पार्ट में दोनों थे तो सही, लेकिन फिल्म में दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं था। हीट को लेकर जितना माहौल बना था फिल्म उससे भी जबरदस्त निकली। 2 घंटे 50 मिनट की इस लंबी फिल्म में अल पचीनो और रॉबर्ट डी नीरो की एक्टिंग के चलते एक पल के लिए भी ध्यान कहीं नहीं भटकता। फिल्म में अल पचीनो का कैरेक्टर लेफ्टिनेंट विंसेंट हैना, फिल्म के दूसरे मेन लीड रॉबर्ट डी नीरो के कैरेक्टर नील और उसकी हाईली ट्रेन्ड टीम को बड़ी चोरी करने से रोकने की कोशिश करता है। फिल्म में बैंक चोरी की कोशिश के बीच जो शूटआउट वाला सीन है उसे आज तक का सबसे रियलिस्टिक ऑन स्क्रीन शूटआउट सीन माना जाता है। '83 में आई क्राइम बेस्ड फिल्म स्कारफेस को ब्रायन डी पाल्मा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में जबरदस्त मारधाड़ है लेकिन अल पचीनो की एकदम रियल लगने वाली एक्टिंग के साथ। फिल्म में अल पचीनो ने क्यूबा के एक अप्रवासी टोनी मोंटाना का रोल प्ले किया है। टोनी मोंटाना 1980 के दशक में क्यूबा से निकलकर अमेरिका के मियामी में ड्रग कार्टल पर अपना अधिकार जमाता है, लेकिन इन सबके बीच टोनी अपने गुस्सैल रवैये और लोगों को लेकर अपमानजनक हरकतों के चलते कई दुश्मन बना लेता है।
बाकी डिटेल्स के लिए अपने 2 घंटे 50 मिनट निकालिए और फिल्म देख डालिए। इस फिल्म को देखते हुए बस इतना ध्यान रखना है कि कहीं टोनी मोंटाना की तरह बोलने की कोशिश ना करने लग जाना। अल पचिनो ने एक अलग ही लहजा अपनाया है इस फिल्म के लिए। '97 में आई माइक नेविल डायरेक्टेड डॉनी ब्रास्को अल पचिनो की एक और माफिया बेस्ड मूवी है। इस फिल्म में अल पचिनो के साथ जॉनी डेप भी लीड रोल में है। अल पचिनो और जॉनी डेप उदय के 2 फेवरेट एक्टर्स भी हैं। अब ये दोनों साथ आए और फिल्म गर्दा ना उड़ाए ऐसा असंभव है। कहानी की बात करें तो फिल्म में अल पचिनो ने माफिया लिफ्टी का रोल प्ले किया है और जॉनी डेप ने अंडरकवर FBI एजेंट पिस्टन यानी डॉनी ब्रास्को का। FBI एजेंट पिस्टन माफिया गुट को पकड़वाने के लिए अंडरकवर जाता है जहां उसकी दोस्ती लिफ्टी से होती है। फिर किस तरह FBI एजेंट पिस्टन को माफिया से सहानुभूति होती है फिल्म इसे ही दिखाती है। ये फिल्म रियल स्टोरी पर बेस्ड है। द आयरिशमैन भी रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी है। रॉबर्ट डी नीरो, अल पचिनो और जो पेसिक जैसे महान कलाकारों को साथ अगर कोई ला सकता है तो लेजेंड मार्टिन स्कॉर्सेसे ही है। मेथड एक्टिंग के फैंस के लिए तो ये फिल्म एक तोहफे की तरह है। हीट के 24 साल बाद रॉबर्ट डी नीरो और अल पचिनो किसी फिल्म में साथ आए। वैसे तो फिल्म में रॉबर्ट डी नीरो लीड में है लेकिन अल पचिनो का रोल भी बहुत जरूरी है। अल पचिनो ने अमेरिकी लेबर यूनियन लीडर जिमी होफा का रोल प्ले किया है। फिल्म में कई सीन बहुत शानदार है लेकिन एक सीन तो स्टैंड आउट है जिसमें जिमी होफा दूसरे के मीटिंग में लेट पहुंचने को लेकर उस पर भड़क जाता है। इस सीन में अल पचिनो ने एक्टिंग की पूरी ABCD झोंक दी है। वैसे खाना खा पीकर इसे देखने बैठे क्योंकि मूवी 3 घंटे 29 मिनट की है लेकिन इससे कम समय में शायद स्टोरी के साथ इंसाफ किया भी नहीं जा सकता था। अब इतने बड़े एक्टर ने केवल 6 फिल्में तो की नहीं होंगी। इस लिस्ट में तो वो फिल्में थीं जिन्हें देखकर आप अल पचिनो के फैन बन जाएंगे। इसके बाद अगर समय हो तो मन ना माने तो डॉग डे आफ्टरनून, इंसोम्निया और द डेविल्स एडवोकेट भी देख सकते हैं। अल पचिनो ने वैसे तो कई तरह की फिल्मों में काम किया है लेकिन उदय की लिस्ट में ज्यादातर माफिया वाली फिल्में थीं क्योंकि ये उनके हिसाब से अल पचिनो की बेस्ट मूवीज हैं। वैसे तो किसी भी फिल्म को दमदार बनाने के लिए कई लोगों की मेहनत होती है लेकिन एक एक्टर का रोल इसमें सबसे जरूरी होता है और जब वो एक्टर अल पचिनो हो तो फिल्म को देखना तो बनता ही है। शुक्रिया।